बाबूजी आपकी क्या स्थिति है? भैया मेरी तो एक डिबिया गोली पहले हाँ, और अब जो बिल्कुल साफ है 500 मीटर दूर का देख लूं। मतलब डिबिया का मतलब आपकी आंख, आंख, हाँ रोशनी। हाँ हाँ आंख, जिस आंख का ऑपरेशन हुआ है, क्या उससे पहले आपको दिखाई देता था? क्या फीडबैक है? नहीं साहब, ऑपरेशन से पहले आपको दिखाई देता था? हाँ सही, ऑपरेशन से पहले ना। नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम। मैं सामाजिक कार्यकर्ता चौधरी परवीन भारतीय और आज जनहित के मुद्दे को लेकर के आप लोगों के बीच में मैं उपस्थित हूँ। अभी हाल ही में करप्शन फ्री इंडिया संगठन के निवेदन पर, आग्रह पर सर्वसम्मान संस्था नई दिल्ली के द्वारा मेरे पैतृक गांव मूंडी बकापुर के जो गरीब किसान मजदूर हैं उन लोगों की आंखों का निःशुल्क जांच कैंप लगाया गया था, जिसमें लगभग 40 ग्रामीणों की आंखों में मोतियाबिंद की बीमारी पाई गई और उसके उपरांत उन तमाम 40 लोगों को ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने कहा, जिसके तत्पश्चात सर्वसम्मान संस्था की गाड़ी यहाँ गांव में आई और गांव से ले जा आकर के मरीजों को नोएडा के सेक्टर 26 आई केयर अस्पताल में उन लोगों का निशुल्क जो है ऑपरेशन कराया। खाने पीने रहने की तमाम व्यवस्थाएं संस्था के माध्यम से की गई और आज हम लोग अपने गाँव में आए हैं उन लोगों के पास जिन लोगों की आंखें बनी थी, ऑपरेशन हुआ था। आज हम लोग जानेंगे कि उनकी आंखों का ऑपरेशन किस तरीके से रहा है, अच्छी सुविधाएं उन लोगों को वहां मिली और किस तरीके से आज उनको रोशनी जो है उनकी आंखों में दिखाई देती है। आज हम लोग जानकारी करेंगे कि आंख बनने के बाद क्या उनका फीडबैक है और आंख बनने से पहले कितना दिखाई उनको देता था, तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। और एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं, एक हमारा ये मरीज पेशेंट है, ये हमारे गांव का ही बच्चा है, इसका नाम छोटू है। छोटू को बिल्कुल भी आंखों से दिखाई नहीं देता था, लेकिन डॉक्टरों ने जब इसके ऑपरेशन की और रोशनी वापस आने की बात कही तो हम लोगों को भी एक खुशी हुई कि भाई ये गाँव का बच्चा जो आंखों से बड़ा परेशान है, इस आधुनिक दुनिया को देखने में असमर्थ है, उसको अगर आंखों की रोशनी वापस मिल जाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। तो उसका भी ऑपरेशन बड़े प्राथमिकता पे नोएडा के सेक्टर 26 में आई केयर अस्पताल में हुआ और आज छोटू की रोशनी जो है वापस आ गई है। हम बात करेंगे छोटू से। छोटू बैठे रहो, चलो खड़े हो जाओ। बेटा ऑपरेशन से पहले आपको दिखाई देता था? हाँ सही, ऑपरेशन से पहले ना। ऑपरेशन से पहले नहीं दिखाई देता था ना। तो ऑपरेशन होने के बाद अब आपको कैसा दिखना लगा है, मतलब दिखाई देना शुरू हुआ? हाँ, अभी अब तो शुरू हुआ, मतलब आप देख, मतलब लोगों को पहचान लेते हो? हाँ जी डॉक्टर साहब। अच्छा, पहचान लेते हैं। हाँ चलिए, वेरी गुड। हमारे दूसरे ग्रामीण हैं, आगे आके थोड़ा सा। अभी जब आपकी आंखों का जो ऑपरेशन हुआ तो आपको ऑपरेशन से पहले आपकी जो आंख, जिस आंख का ऑपरेशन हुआ है, क्या उससे पहले आपको दिखाई देता था? क्या फीडबैक है? नहीं साहब, तो ऑपरेशन होने के बाद अब कैसा दिखाई देने लगा है आपको? बिल्कुल ऐसा ही दिख रहा है, दूसरी आंख से दिख रहा, मतलब सही दिखाई देना शुरू, सही दिखाई दे रहा। तो वहाँ जो नोएडा में आपके वहाँ जब ऑपरेशन हुआ अस्पताल में, तो वहाँ किसी प्रकार की कोई समस्या आप लोगों को? हमें कोई समस्या नहीं जी, हमें तो खूब सुविधा मिली, खाने की, पीने की, लत्ता की, लाने की, ले जाने की सारी सुविधाएं आपको निशुल्क रही। हम तो घर से ही ले गए और घर ही जाकर उतारे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ताऊ जी, आपको पहले किस तरीके से दिखता था, क्या परेशानी थी आपको? मुझे बहुत झोलना चमक रहा है। अच्छा, इसे बनने के बाद साफ दिखाई, साफ दिखाई देने लगा है। तो अभी हमारे साथ और ग्रामीण है। बाबूजी आपकी क्या स्थिति है? भैया मेरी तो एक डिबिया गोली पहले, हाँ, और अब जो बिल्कुल साफ है 500 मीटर दूर का देख लूं। मतलब डिबिया का मतलब आपकी आंख, रोशनी, मतलब डिबिया बंद थी पहले बिल्कुल, अब आपको एक आंख से जिस आंख का ऑपरेशन हुआ है 500 मीटर दूर तक का देख लूंगा, बढ़िया दिखाई देने लगा। तो जो सर्व सम्मान संस्था के द्वारा और करप्शन फ्री इंडिया के निवेदन पर सर्व सम्मान संस्था ने जो आप लोगों का ऑपरेशन कराया, वहाँ कुछ आप लोगों को कोई परेशानी तो नहीं? हमें कोई आपत्ति नहीं, मतलब कोई परेशानी नहीं रही, आप लोगों को बढ़िया इलाज मिला। हाँ। आपको कैसा दिखाई देने लगा है? खूब बढ़िया दिख रहा है, अभी अभी
अभी अभी दूर तक, बहुत दूर तक ना दिख रहा, मतलब पहले तो बिल्कुल दिखाई नहीं देता था, अब तो दिखने लगा ना। हाँ लगा, अच्छा अब दिखने लगा है। हमारे साथ गांव की कुछ महिलाएं हैं, उन महिलाओं से भी जानकारी करेंगे कि आंख बनने के बाद और आंख से पहले उनका क्या रिएक्शन था। आंख बनी है आपकी तब से, तब से आपको कैसा दिखाई देना शुरू हुआ है? पहले तो बहुत कम काला काला दिखा, अब तो दिख है। अब आपको दिखना प्रारंभ हो गया है, तो ऑपरेशन के दौरान कोई आपको वहाँ परेशानी तो नहीं हुई? बहुत बढ़िया, खाने का, चाय नाश्ता सब कुछ मिला, सोने का, बैठने का, खाने पीने का खूब हमें सुविधा मिली। खूब सुविधाएं आप लोगों को? बढ़िया, बहुत खुश, बहुत खुश हो गया। माँ जी आपकी क्या स्थिति है, आपको कम दिखाई देता था? कम दिखाई दिया, बहुत कम। अब कैसा दिखना प्रारंभ दिख रहा? अब साफ दिख रहा है। हाँ। चलिए, तो जो संस्था, जो डॉक्टर लोग आए थे, उनके लिए क्या कहोगी? अच्छा अच्छा, बहुत कम, ना के बराबर दिखता था। अच्छा अच्छा जी, तो आप लोगों को वहाँ कोई परेशानी तो नहीं हुई अस्पताल में? बहुत सेवा करी। चलिए साथियों, जो सर्व सम्मान संस्था के द्वारा ये निशुल्क आंखों का ऑपरेशन कराया गया, उससे ग्रामीण, तमाम ग्रामीणों का ऑपरेशन बहुत बेहतर स्थिति में हुआ है और ग्रामीण बहुत खुश हैं और वो बहुत ही प्रशंसा जो है संस्था की और नोएडा आई केयर अस्पताल के डॉक्टरों की कर रहे हैं। तो इसी तरीके से समाज हित में करप्शन फ्री इंडिया संगठन लगातार अपने जनहित के मुद्दों पर काम करता रहेगा। इसी तरीके से जो गांव के गरीब किसान, असहाय मजदूर लोग हैं, जब जब मौका मिलेगा तब तब हम लोग इनकी सेवा करेंगे। और मैं पुनः सर्व सम्मान संस्था का भी आभार प्रकट करता हूं, नोएडा के आई केयर अस्पताल के डॉक्टरों का आभार प्रकट करता हूं, उन्होंने हमारे गाँव के ग्रामीणों का बहुत बेहतर तरीके से इलाज किया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। साथियों, हमारे गांव का एक ऐसा मरीज, एक ऐसा बच्चा जिसको जो है पिछले लगभग 10-12 वर्षों से दिखाई देना बंद हो गया था और वह बेचारा मतलब अपने काम को लेकर के बड़ा परेशान और आने जाने के लिए भी उसको सहारा लेना पड़ता था। तब उसकी जांच अपने निशुल्क कैंप में हमने अपने गांव में कराई, तो डॉक्टरों ने जांच के बाद पाया कि उसकी आँखों का ऑपरेशन हो सकता है और उसकी रोशनी वापस आ सकती है। ऐसा ही ये हमारे बीच में छोटू है। छोटू, जब आपका ऑपरेशन हुआ उससे पहले कितना दिखता था तुम्हें, दिखाई देता था क्या? कम। अच्छा, कम दिखता था। हाँ। अब कितना दिखाई देता है छोटू तुम्हें? अब ठीक दिखता है? अब सही। बढ़िया दिख है। हाँ, बढ़िया दिख है। बढ़िया दिखता है। हाँ। चलो, तो अब जो है अब तुझे अच्छा लगा, डॉक्टरों को थैंक यू तो बोल दे। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।